नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कार्तिक, लाइफ कोच। दोस्तों, सबसे पहले दिल से देश के शहीदों को शत शत नमन करता हूं और देश के जवानों को और हमारे देशवासियों को अपने दिल से इस आज़ादी की, स्वाधीनता दिवस की बहुत 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 बधाई देता हूं। हमेशा मैं आपके साथ मिलता हूं, कोशिश करता हूं आपको मोटिवेट करने की, इंस्पायर करने की और अगर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। तो आज इस आज़ादी के 73 इयर्स पूरे हो गए और आज हम लोग 74th ईयर में आज हमने प्रवेश किया। ये बहुत बड़ी बात है। आज लास्ट मोर देन 73 इयर्स से हम इस आज़ादी को फील कर पा रहे हैं। काश को इंसान हो जो आपको बता पाए कि जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के तो पल कैसा था। इतनी आसान नहीं थी उस समय जो हमारे ग्रेट पीपल जो लोग इस देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, जिन्होंने, उनके लिए आज़ादी पाना इतना आसान नहीं था। उनको भी बहुत बार लगता था, डाउट होता था कि सच में हम लोग लड़ तो रहे हैं लेकिन क्या आज़ादी मिलेगी। एक दिमाग में एक डाउट था, लेकिन उस डाउट से भी बड़ा था उनके अंदर एक जज्बा। उनको भी पता था, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे। जिस वक्त लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ना, तो वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे जिनको लग रहा था कि जो भी ये हो रहा है ना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। सो अगर उनके भरोसे हमारे शहीद अगर छोड़ देते तो आज हम इतने आसानी से इस ज़िंदगी को नहीं जी पाते। तो गाइज, मैं उन शहीदों को शत शत नमन करता हूँ जिन्होंने एक डिटर्मिनेशन रखना कि बॉस करना है ये चीज़, और अगर हम लगे रहेंगे ना तो हमें आज़ादी ज़रूर मिलेगी। आपको मैं कहता हूँ, आपके लाइफ में भी बहुत सपने हैं, आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, एम आई राइट? सो अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हो तो क्या आपको वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन दिखता है आपके काम में? क्या आज आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा? आपको, आपने भी ये सुना होगा, ये एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। अगर आप अपने सपनों को बोओगे, आप अपने सपनों के तरफ अपना हार्ड वर्क दोगे, अपनी पॉजिटिविटी दोगे, तो आपका सपना आपको हासिल ज़रूर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो वही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि एज यू सो सो शैल यू रीप। आज हमारे शहीद 1947 तक जो भी किया, जो भी उन्होंने अपनी जान निछावर की, आज हमें आज़ादी मिली है। उन्होंने जो बोया उनको वो मिला, आज हम जो बोएंगे आज हमें वही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये सोइंग एंड रीपिंग जो होता है ना, मतलब जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं, इसमें ऐसे कुछ सच्चाई है इसके अंदर, मतलब सोइंग एंड रीपिंग के अंदर, ये बोना और पाने में ऐसी कुछ सच्चाई है, ऐसी कुछ सात सच्चाई है जो हमें जाननी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सात सच्चाई क्या है? जो पहली सच्चाई है वो है नेगेटिव। अच्छे से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो पहली सच्चाई है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अगर हम कुछ बुरा बो रहे हैं, अगर हम कुछ बुरा कर रहे हैं, अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं, सो एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोगे आपको वैसा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। आज नहीं मिल रहा है तो आप खुश हो रहे होंगे, लेकिन आपको इतना एक दिन ज़रूर मिलेगा अगर आप कुछ नेगेटिव कर रहे हो तो। तो ये सच्चाई को कभी मत भूलिएगा, ट्रूथ ऑफ नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव कर रहे हो, नेगेटिव बो रहे हो, तो आपको नेगेटिव ज़रूर मिलेगा। जो हमारा नेक्स्ट है वो है पॉजिटिव।
पॉजिटिव मतलब अगर हम सही बो रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव कुछ अच्छा बो रहे हैं, जैसे हमारे शहीदों ने बोया था देश की आज़ादी के लिए, तो अगर हम भी अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो हमारे साथ अच्छा होगा। हो सकता है इनिशियली कुछ अच्छा होता हुआ आपको ना दिखे, लेकिन अच्छा तो बॉस होगा ज़रूर, क्योंकि ये सच्चाई है सोइंग एंड रीपिंग की। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट है वो है मोर। मोर अगर आप कुछ बो रहे हो ना, तो आपको हद से ज़्यादा मिलेगा, हद से ज़्यादा मिलेगा बॉस, बहुत मिलेगा। लेकिन एक चीज़, अच्छा बोए हो ना बॉस, अगर अच्छा बोए हो तो अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। अगर बुरा बोए हो, अगर कुछ नेगेटिव बोए हो तो नेगेटिव मिलेगा और बहुत ज़्यादा नेगेटिव मिलेगा। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। सोइंग एंड रीपिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है अपने लाइफ की। जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। लेकिन ये जो सात सच्चाई को लेके हम बात कर रहे हैं ना, इसको दिमाग में हमेशा रखिए। जो हमारी चौथी सच्चाई है वो है मैनी वेज। मैनी वेज, बहुत सारे वेज हैं। आप जो चीज़ कर रहे हो अभी, जो अपने सपने के पीछे आप भाग रहे हो, उसके ना बहुत सारे वेज हैं, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप एक ही रास्ते से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, या जो भी आपने डिसाइड किया है उसे पाना चाहते हो, तो वो सही नहीं है। अपना जो मंजिल है ना, उस मंजिल में जो रास्ता है ना, बहुत सारे रास्ते बनाओ। अगर रास्ता नंबर ए काम नहीं करेगा तो रास्ता बी काम करेगा, अगर बी नहीं करेगा तो सी करेगा। रास्ते बहुत रखो, मंजिल एक रखो, ज़रूर मिलेगा। अगर आप बो रहे हो तो आपको ज़रूर मिलेगा। और एक चीज़ जो हमारी अगली सच्चाई है वो है सच्चाई नंबर 5, एनीवन कैन, सबको मिलेगा, किसी को भी मिल सकता है, जो काम करेगा उसी को मिलेगा। मतलब ऐसा कोई बायसनेस नहीं है, मतलब लाइफ में कोई बायसनेस नहीं है कि आप करोगे तो नहीं भी मिल सकता है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आप बो रहे हो तो आपको मिलना तय है, आपको मिलना तय है, ये हमेशा याद रखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट सच्चाई है वो है यू कुड लूज। ये दिमाग में रखिएगा, यू कुड लूज, आप हार सकते हो, आप हार सकते हो। मेरा बोलने का मतलब है कि जब भी हम बोते हैं ना, हार्डवर्क देते हैं, लाइफ में कुछ पाना है, कभी कभी हम हार भी जाते हैं, लेकिन ये पार्ट है, ये सोइंग एंड रीपिंग का एक अनोखा पार्ट है, और इस पार्ट को हमें एक्सेप्ट करना है। और इस पार्ट को कहते हैं यू कुड लूज, आप हार सकते हो, आप हार सकते हो, लेकिन आप हारोगे नहीं। आप एक पार्ट में हार सकते हो, लेकिन एज अ होल आपकी जीत तय है। ओके, सो गाइस, हमारा जो आखिरी सच्चाई है, जो आखिरी सच्चाई इस सोइंग एंड रीपिंग को लेके है, वो है इफ़ यू डोंट सो यू डोंट रीप। अगर आप बोओगे नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा, अगर आप नहीं बोओगे तो आपको नहीं मिलेगा। सो गाइस, ये आज़ादी के मौके पर आज हमने सीखा कि सिर्फ बोना नहीं है, बोने के साथ ये सात सच्चाई को दिमाग में रखना है। क्योंकि बहुत लोग अपने सच्चाई, यू नो, अपने लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, बोते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंस कम होने की वजह से, या जब रिजल्ट नेगेटिव मिलता है तो वो लोग अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। तो मैं हर एक उनको बोलना चाहता हूँ कि आज जो हमने सात सच्चाई के बारे में बात किया, ये सात सच्चाई को हमेशा दिमाग में रखना। हम हार सकते हैं लेकिन हम फिर भी पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करते रहेंगे, पॉजिटिव करते रहेंगे, पॉजिटिव बोते रहेंगे, हमें फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो गाइस, सुभाष कार्तिक इस आज़ादी के मौके पर फिर से आप लोगों को बधाई देते हुए इस सेशन को यहीं ख़त्म करता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।